ये एक नंबर लिखकर चुपचाप पर्स में रख दीजिए, आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप अगर परेशान हैं अपनी गरीबी से, अपने ज्यादा खर्चों से, बिजनेस में हो रहे लॉस से, या फिर आपकी जॉब में कोई प्रॉब्लम है, आपके ऊपर कर्ज है जिसे उतारने की कोशिश तो करते हैं लेकिन वो उतरता ही नहीं है, ऐसा लगता है जैसे माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो गई है, उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बन ही नहीं रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी परेशानी का हल है हमारे पास। हमारे गुरुजी बागेश्वर धाम सरकार जी कहते हैं कि बस एक नंबर लिखकर चुपचाप अपने पर्स में रख लीजिए, आपको अपनी सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, आप गरीब से अमीर बन जाएंगे। गुरुजी द्वारा बताया गया ये उपाय जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। गुरुजी द्वारा बताया गया ये उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले इस बात पर विश्वास रखना जरूरी है कि आप जो उपाय करने जा रहे हैं उससे आपको 100% लाभ जरूर होगा, क्योंकि किसी भी पूजा पाठ मंत्र या उपाय की सिद्धि में आपके भरोसे का, आपके विश्वास का सबसे बड़ा योगदान होता है। इस उपाय को करने के लिए आपको ज्यादा चीजों की जरूरत भी नहीं है, आपके पूजा घर में या आपके बच्चों के पास ही सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, और इस एक उपाय से आप अपनी कई सारी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। इस उपाय के जरिए माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के साथ ही आप अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए जान लेते हैं कि उपाय को कब और कैसे करना है। गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को आप किसी भी दिन पूरी श्रद्धा के साथ कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपकी अपनी जॉब में प्रमोशन, बिजनेस में प्रॉफिट और रुका हुआ धन वापस मिल जाएगा, आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी, साथ ही आपके घर में आने वाला धन रुकने लगेगा, क्योंकि लक्ष्मी का आना और आकर चले जाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस उपाय से आपके घर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा और आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा से धन आएगा भी और रुकेगा भी। आप इस उपाय को किसी भी शुभ दिन यानी शुक्ल पक्ष के प्रथमा तिथि को लेकर पूर्णिमा तक इन 15 दिनों के बीच कभी भी कर सकते हैं। आप चाहे तो नवरात्रि या दीपावली में भी ये उपाय कर सकते हैं। गुरुजी द्वारा बताए गए इस उपाय को करने के लिए आप बच्चों के पास से उनकी स्क्रैप बुक से कोई रेड पेपर ले लीजिए। पेपर इतना बड़ा हो कि उसे फोल्ड करके आराम से पर्स में रखा जा सके। अब आप एक चट्टीदार कौड़ी ले, वही कौड़ी जिसे आप दीपावली में खरीदते हैं लक्ष्मी माता की पूजा करने के लिए, साथ में लौंग और कुमकुम भी रख लें। ये सारी चीज लेने के बाद आप इस उपाय या विधि को या तो किसी शुभ दिन शाम को करें या गोधूली बेला के बाद यानी सूर्यास्त के आधे घंटे बाद करें, जब शाम का दीपक जलाने का समय होता है। आप शाम को लक्ष्मी माता के आगे दीपक जलाने के लिए फ्रेश होकर कपड़े बदल कर आते हैं, उसी समय ये उपाय कर लें। माँ लक्ष्मी की मूर्ति के सामने बैठकर सबसे पहले आप कुमकुम को किसी कटोरी में थोड़ा सा निकाल कर उसमें गंगा जल मिलाकर थोड़ा गीला कर लें, ताकि आप उससे आसानी से पेपर पे लिख सकें। अब आप रेड कलर का पेपर लेकर उसकी लेफ्ट साइड पे माँ लक्ष्मी का प्रिय नंबर लिखें। माँ लक्ष्मी का प्रिय नंबर है 9। इसे लिखने के बाद पेपर के राइट साइड में कुमकुम से अच्छा सा स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक बनाने के बाद पेपर को माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दें और शुद्ध घी का दीपक और धूप बत्ती जला लें। उसके बाद आप एक लौंग को अपनी मुट्ठी में रख लें और 11 बार माता लक्ष्मी का मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। अगर समय हो तो 108 बार इस मंत्र का जाप करें। इसके बाद लौंग और कौड़ी को कागज के ऊपर रख कर अच्छे से फोल्ड करके पुड़िया बना ले, और इस पुड़ियों को आप अपने पर्स या पॉकेट में हमेशा रखें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। कर्ज मुक्ति और धन प्राप्ति के लिए गुरुजी द्वारा बताया गया ये उपाय अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी हमने इंटरनेट के माध्यम से ली है, इसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। इस वीडियो का मकसद केवल आप सभी को पूरी जानकारी देना है, ना कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।